मान जा, तेरी जीनत की तबीयत ठीक नहीं है और ये तेरे बाप दादा का घर है। छोड़ अब मुझे छोड़। ओ बस दी उजड़ गया तकदीरा अला दिया ओ बाजा पर जोड़े तेरे पीछे चन सजना ऐसा वस दे घर छोड़े ओ पतन ते बेड़ी ओ पतन ते बेड़ी बेड़ी विच एक फुल रता जया मिल के वतना विछड़ो एहो ढोला मंगो दुआ हाय मिल के वतना विछड़ो एहो ढोला मंगो दुआ आ ढोला टुर चलिए रुक जा बख्शू तेरी जिंदगी बड़ी तकलीफ में है जीनत हौसला कर हिम्मत कर शाबाश और थोड़ा दूर और निकल जाए तो सरदार के आदमी का खतरा टल जाएगा शाबाश हिम्मत कर समझता है कि सरदार सो रहा है तो उसकी जागीर भी सो रही है उतरा तुम्हें गाली मत दे छोड़ कभी है छोड़ छोड़ बेचारी अरे ओ बख्शू ये क्या हालत बना रखी है तूने इसकी तो अभी आकुर बाकी है मुंशी जी हमारे साथ जो मर्जी चाहे सलूक कर लो लेकिन मेरी बहू को जाने दो इसकी हालत ठीक नहीं
जाने दूं या ना जाने दूं, ये मेरे अख्तियार में नहीं है नूरे। शमरोजे, इनकी जंजीरें खोलकर ठीक सुबह 8 बजे सरदार के सामने पेश कर देना। हा? और हाँ, इनको सारी रात सोने ना देना। हाँ, ये क्यों नहीं बोलता, इसे माफी नहीं चाहिए? चल दीना, ते तू अब जा। मुरत, तूने मेरे इलाके से भागने की जरूरत कैसे की? उनसे पूछ रहा हूं। हमें माफ कर दे, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। हमें माफ कर दे, माफ कर दे। तुम्हारे बाप दादा का कर्ज क्या फरिश्ते चुकाएंगे आगे? सरदार, मैं चुकाऊंगा, मेरा बख्शी चुकाएगा, बख्शी की औलाद चुकाएगी। और कहां से लाओगे इतना रुपया? सरदार, अपनी जमीनों की सारी फसल देता रहा हूं और देता रहूंगा। मुट्ठी भर अनाज से मेरा कर चुकाओगे? नहीं सरदार, जितना हो जो हो मैं जरूर अदा करूंगा। कागज लो। अगर कर्ज माफ कराना चाहते हो और आजादी भी चाहते हो तो इन कागजों पे अंगूठा लगा और गांव से निकल जाओ। ले जाओ इनका तस्वीर, हमें चकर दो, मजा चखा दे इनका भागने का। बच्चा मुर्दा पैदा हुआ, शुक्र है अल्लाह का कि जीनत बच गई। मैं घी गरम करके लाती हूँ, तुम जरा इधर ही रहना। अच्छा। पर चाचा, मैं गांव से भागने में अगर कामयाब हो भी गया तो मेरे पीछे तो सरदार जीनत और अब्बा का तो बुरा हाल कर देगा। बेवकूफ, जब तेरा अब्बा सरदार को ये बताएगा कि वो उसका कर्ज चुकाने के लिए शहर कमाई के लिए जा रहा है, तो खुश हो जाना। तू भी बड़ा भोला है चाचा, और वो क्यों चाहेगा कर्ज वापस हो और जमीन उसके हाथों से निकल जाए। तो ठीक है, फिर रहो इस गांव में, सारी उम्र गुलामी करते रहो सरदार की। तो और कर भी क्या सकते हैं चाचा, तुम इस गांव में आए हुए 1 साल तो हो ही गया है और तुमने अपनी आंखों से देख लिया होगा कि सरदार और उसके बंदे गांव वालों के साथ क्या क्या ज्यादतियां करते हैं। देख उधर, मैं भी तो ये कह रहा हूँ ना कि आखिर कब तक तुम ये जुल्म बर्दाश्त करते रहोगे? पता नहीं कब तक। अच्छा देख, अगर जिंदगी बनानी है ना तो सरदार के चुंगल से निकल जा। हाँ, और अगर तुझे बाबा और जीनत की बहुत ही फिक्र है ना तो निकाल उसे भी, निकाल जा, ले जा। ओए बदबख्तो, जाओ। ओए सरदारनी जी मेहरबान हो गई है तुम पर। शमरोदे,
इनको आजाद कर दो। जो हुक्म मुंशी साहब। क्या मैंने कितने मरतबा कहा है जरीना कि मेरे कामों में दखल मत दिया करो। मैं तो सब कुछ आपकी इज्जत के लिए करती हूँ ताकि लोग बात न बनाएं। कौन लोग? अरे बेवकूफ, उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि हमारे खिलाफ बात कर सके। अपनी जमीनों में दफन होगा, अपनी जमीनों में, अपनी जमीनों में दफन होगा, ये अपनी जमीनों में, अपने बाप दादा की जमीनों में दफन होगा। ये जो सामने डकी है ना, यहाँ आके मेरी जो हद है वो खत्म होती है। ये देख लो पूरा रकबा, ओ उधर ओ बेरी से लेके तो सारा यहाँ था। वैसे बड़ी जरखेज जमीन लाट हुई है आपको सूबेदार साहब। बस यार आपका क्या प्रोग्राम है, खुद ही काश्त करेंगे? हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुद ही, इरादा तो यही है कि अपना काश्त करूँ। इसके अलावा यार जी एक दिल में बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा, वो क्या? वो ये है कि इस गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोलूं जहां बच्चे पढ़े, उनका मुस्तकबिल बने। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत ही नेक इरादा है। अगर आपने ये काम कर दिया तो समझे कि गांव की तो तकदीर ही बदल जाएगी। बस इस नेक काम में मैं आपके साथ। और शाबाश है, शाबाश है जवाना। और देखो यार, बात यह है कि तुम जैसे जवान अगर मेरे साथ हैं तो मुझे किस बात का गम है। वैसे एक मसला है सूबेदार साहब। ओके वे, ये इस गांव का जो सरदार है बड़ा चालबाज और बहुत ही चलाक आदमी है, बस उससे जरा होशियार रहे। ओ यार, अल्लाह उसे खुश रखे, हमें उसे क्या लेना देना है, वो लगा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इत्तला के लिए ऐसे अर्ज कर दिया था। अच्छा, मुझे इजाजत है। क्यों? ओ, मैंने शहर जाना है, उसके लिए जरा तैयारी करनी है। कोई खिदमत हो तो बताएं। बस खिदमत क्या यार, हो अपना अगर हो सके तो उर्दू बाजार जाकर ना, तो वो कापियां और किताबें जो होती है बच्चों की, हाँ, उसकी कीमतों की एक लिस्ट जो है वो अगर मिल जाए। नहीं तो कोई मसला ही नहीं है, और कोई इसके अलावा फिर मत जीते रहो। अच्छा, इजाजत है, खुदा हाफिज़। जीते रहो। दादा जी। सरदार जी, दूध ले आई हो? जी ले आई। अच्छा, इसका कर जल्दी काम खत्म कर, कपड़े बड़े जमा हो गए हैं। सरदारनी जी, मैंने अपनी दी को पीर साईं की ज़ियारत पे लेके जाना है जी। किसको? सुग्रा को? जी सुल्तानी जी। क्या हुआ उस कमचोर को? जी हुआ तो कुछ नहीं, पर वो पीर साईं की दुआ से पैदा हुई थी ना, तो साल दो साल बाद उसको ले जाती हूँ ज़ियारत के लिए। तो यहाँ काम तुम्हारी बेबे करेगी? मैं करूँगी, सारा काम मैं कल कर दूँगी आपका। तुम सब कमचोर हो। अच्छा, इस कर जा, जीनत को बुला कर ला, बड़ा आराम कर लिया उसने। जीनत, ओ जीनत, जी अब्बा, ओ कुछ खान को है, भूख बड़ी लगी है। कुछ नहीं है अब्बा। अरे बाल पा, अंदर से बोले चली जा रही है, बाहर तो आ और कुछ बना दे मुझे। सौदा लिया तो बना देती। सौदा लिया? सौदा कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो चटनी रखनी बना दे। अच्छा। अच्छा।
وقت ناراض ہے مجھ سے؟ اور نہیں چاچا ناراضگی کیسی؟ شاید رب کو یہی منظور ہو, پر تو فکر نہ کر, اللہ اور اولاد دے گا تجھے. ہاں دیکھ بات سن, اور پھر بات بات سن, ادھر پتر ایمان سے میں نے تو تیری بھلائی کے لیے تجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہاں سے نکل جا, اب شاید اللہ کو. چاچا بس کر بس کر, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں, میں شام کو آؤں گا, وہیں گپ لگائیں گے. کہاں لے جا رہی ہے اسے؟ زینت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, یہ کام کیا کرے گی؟ بابا کہا تھا میں نے سردارنی سے, پر وہ تو غصے میں لال پیلی ہو رہی ہے, کہتی ہے جلدی سے لے کر آؤں اسے, کام بہت پڑا ہے اس کی حویلی میں. کہاں جا رہی ہے؟ سردارنی نے بلایا کام کاج کے لیے. پر تیری تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماسی. بخشو سردارنی بڑی غصے میں ہے, جانے دے اسے. چل پگا چل. کیسا ظلم ہے با, کیسی زیادتی ہے یہ با, غریب کو اتنا بھی حق نہیں کہ. ابا زینت کی تو طبیعت خراب ہے ابا. پر تو کیا بتائے گا مجھے ابا, تو بیٹھ کے مزے سے چٹنی کھا, قرضے معلوم نہیں کس نے لیے اور سزا ہمیں مل رہی ہے. اب مجھے کیا بتاؤ؟ مجھے کچھ نہ بتا دو, مجھے کچھ نہ بتا دو. تو غلام ہے غلام, تجھ سے پیدا بھی غلام ہوئے, اور میرے نام بخشو کی جگہ غلام رکھ دیتا نا تو وہ ٹھیک تھا. یہ بخشو کیا ہوتا ہے؟ بخشو بخشو بخشو, سرداروں کے قرضداروں کے کوئی نام نہیں ہوتے, وہ جانور ہوتے ہیں جانور. بلکہ جانور بھی ہم سے اچھے ہی ہوتے ہوں گے. یہ تو کیا بکبک کیے جا رہا ہے پتر؟ بکبک؟ ہاں میں بکبک کر رہا ہوں ابا. میرے مولا بھرم رکھنا, میرے اللہ بھرم رکھنا, میرے مولا بھرم رکھنا, میرے اللہ بھرم رکھنا, میرے مولا بھرم رکھنا. جب تلک میں پریشان تھا تیرا سایہ میری جان تھا, دیر جب بھی ہوئی تھی مجھے میری جان تو پریشان تھا, میری جان تو پریشان تھا, میرے دادا
भरम रखना मेरे वाली भरम रखना मेरे वाली भरम रखना।